प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मांग का नियम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम मांग की परिभाषा, मांग के नियम की व्याख्या तथा कार्यशीलता, मांग के नियम की रेखाचित्र द्वारा व्याख्या, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व और मांग के नियम की कार्यशीलता के कारण आदि का अध्ययन करेंगे। मांग से आप क्या समझते हैं? साधारण भाषा में मांग का अर्थ वस्तु की इच्छा, लालसा अथवा आवश्यकता से लगाया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ किसी व्यक्ति के लिए प्रभावपूर्ण इच्छा से है। प्रभावपूर्ण इच्छा को ही आवश्यकता कहते हैं। प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, इच्छा का होना। दूसरा, उसकी पूर्ति के लिए साधनों का होना। तीसरा, साधनों को प्राप्त करने की तत्परता का होना। जब किसी वस्तु की आवश्यकता के साथ कीमत तथा समय को भी जोड़ दिया जाता है, तब वह मांग बन जाती है। जैसे उदाहरण, दिनांक 15 अगस्त 2019 को दूध की मांग ₹60 प्रति लीटर है। अभी तक आपने सीखा कि मांग क्या है। अब हम मांग के नियम की व्याख्या तथा उसकी कार्यशीलता के बारे में विस्तार से जानेंगे। परिभाषा। मांग का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत में कमी होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार वस्तु के मूल्य एवं उसकी मांग के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। इसे ही मांग का नियम कहते हैं। मांग के नियम की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह नियम अन्य बातें समान रहने पर ही कार्यशील रहता है। कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। यह परिणात्मक कथन न होकर गुणात्मक कथन है। मांग के नियम की व्याख्या। मांग का नियम की व्याख्या हम बाजार में किसी विशेष समय में किसी एक उपभोक्ता की विभिन्न कीमतों पर केलों की मांग तालिका के अनुसार करते हैं। केलों की मांग तालिका से स्पष्ट है कि केलों की कीमत ₹5 प्रति दर्जन है, तो उपभोक्ता द्वारा 60 दर्जन केलों की मांग की जाती है। यदि कीमत ₹5 से बढ़कर ₹10 हो जाती है, तो केलों की मांग 50 होगी। इसी प्रकार केलों की कीमत अगर 15 होती है, तो केलों की मांग 40 होगी। केलों की कीमत 20 होती है, तो केलों की मांग 30 होगी। केलों की कीमत अगर 25 होती है, तो केलों की मांग 20 होगी। केलों की कीमत अगर 25 से बढ़कर 30 हो जाती है, तो केलों की मांग भी 20 से घटकर 10 हो जाएगी। तो मांग का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत में कमी होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। मांग के नियम की रेखा चित्र द्वारा व्याख्या। अभी तक आपने मांग तालिका के निर्माण के बारे में विस्तार से जाना था। अब आप जानेंगे कि मांग तालिका से कैसे रेखा चित्र का निर्माण होता है। रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर केले की मांग की मात्रा और वो वाई अक्ष पर केले की कीमत प्रति दर्जन रुपए में दिखाई गई है। केले की मांग तालिका के आधार पर ही हम रेखा चित्र का निर्माण करेंगे। केले की कीमत प्रति दर्जन रुपए अगर 5 है, तो केले की मांग की मात्रा 60 होगी, जिसे हम रेखा चित्र में इस बिंदु पर प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार अगर कीमत 5 से बढ़कर 10 हो जाती है और केले की मांग की मात्रा 60 से घटकर 50 हो जाती है, तो उसे हम इस बिंदु पर प्रदर्शित करेंगे 10 और 50।
इसी प्रकार कीमत 15 होने पर उसे हम इस बिंदु पर प्रदर्शित करेंगे, संख्या आएगी 40। इसी प्रकार 20 होने पर उसे हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, उसकी संख्या होगी 30। इसी प्रकार 25 होने पर उसे हम यहाँ इस बिंदु पर प्रदर्शित करेंगे, संख्या आएगी 20। अंत में केले की कीमत अगर 30 रुपये हो जाती है तो केलों की मांग की मात्रा अगर 10 आएगी तो हम उसे इस बिंदु पर प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार सारे बिंदुओं को जोड़ने से हमें मांग रेखा की प्राप्ति होगी, जिसे हम ग्रीडी रेखा भी कहते हैं। मांग रेखा हमें यह बताती है जैसे जैसे केले की कीमत घटती चले जाती है वैसे वैसे मांग की मात्रा बढ़ती चले जाती है। आप देख रहे हैं कि केले की कीमत 30 रुपये से घटते घटते नीचे आ रही है 5 रुपये, तो मांग की मात्रा भी यहाँ पर बढ़ती चले जा रही है। डी बिंदु पर मांग की मात्रा यहाँ पर बढ़ रही है, और जो जो कीमत बढ़ती चले जाती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कीमत बढ़ती चले जाती है तो मांग की मात्रा घटती चले जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कीमत पहले 5 थी जो बढ़ते बढ़ते 30 हो गई, और हमारी जो मांग की मात्रा पहले 60 थी वो घटते घटते ऊपर जाते जाते 10 हो गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यही मांग का नियम है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व इस प्रकार हैं: आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करती है। सामान्यतः जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो जाती है, और आय कम होने पर वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। वस्तु का मूल्य, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। वस्तु का मूल्य घटने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, और वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि तथा समाज में प्रचलित फैशन में परिवर्तन हो जाता है तो नए फैशन की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत वस्तुओं के फैशन से बाहर हो जाने पर उनकी मांग में कमी हो जाती है। ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे शरद ऋतु में कीमत बढ़ने पर भी गर्म कपड़ों की मांग में वृद्धि हो जाती है। व्यापार की दशाओं में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में तेजी काल में लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, जिसके कारण कीमतों के बढ़ने के बावजूद वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत मंदी काल में मौद्रिक आय में कमी होने के कारण मूल्य स्तर के गिरने पर भी वस्तुओं की लिए मांग में कमी हो जाती है। भविष्य में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की संभावना, जब कभी भविष्य में कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की संभावना होती है तो वर्तमान काल के वस्तुओं के मूल्य पर वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। मांग के नियम की कार्यशीलता के कारण इस प्रकार है: सीमांत उपयोगिता हास नियम की कार्यशीलता के कारण। सीमांत उपयोगिता हास नियम हमें यह बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, अर्थात कम कीमत पर ही वह अधिक वस्तुओं का उपभोग करेगा। आय प्रभाव, वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उसकी आय में जो बचत होती है उससे वह और अधिक मात्रा में वस्तुओं का क्रय करेगा। इसके विपरीत वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वह कम वस्तुओं का क्रय करेगा। प्रतिस्थापन प्रभाव, जब कोई वस्तु अपनी प्रतिस्थापन वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है
तो उपभोक्ता महंगी वाली वस्तु के स्थान पर कम कीमत वाली वस्तु का उपभोग करेगा। जैसे चाय और कॉफी में से वह कॉफी की कीमत कम होने पर उसकी मांग अधिक करेगा।